नमस्कार, इंडिया खबर लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं निशा और अब खबरें विस्तार से। हाई कोर्ट की युगल पीठ ने शुक्रवार को एक शिकायत का उल्लेख करते हुए कहा है कि निगम के अधिकारी बड़े लोगों को फायदा पहुंचा रहे हैं और कोर्ट के आदेश का सही से पालन नहीं कर रहे हैं। यह अधिकारियों का अच्छा आचरण नहीं है। शिकायत के संबंध में निगम अमला जवाब पेश करे। वहीं याचिकाकर्ता से कहा है कि आपने याचिका दायर की है, इसलिए आपको ही बताना होगा कि आदेश का सही से पालन हो रहा है या नहीं। मदन कुशवाहा ने तलघरों के अवैध उपयोग को लेकर जनहित याचिका दायर की है। कोर्ट के आदेश पर नगर निगम तलघरों में चल रहे व्यवसाय को बंद करा रही है और हर हफ्ते कोर्ट में पालन प्रतिवेदन रिपोर्ट पेश कर रही है। लेकिन आर एन शर्मा ने हाईकोर्ट को एक पत्र भेजा है। उस पत्र में नगर निगम के अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं और तलघरों पर की जा रही कार्रवाई पर सवाल खड़े किए हैं। कोर्ट को यह पत्र मिलने के बाद निगम के अधिवक्ता को इसकी जानकारी दी और कॉपी भी देने का आदेश दिया, साथ ही इस संबंध में जवाब भी मांगा है। वहीं दूसरी ओर याचिकाकर्ता मदन कुशवाहा से पूछा है कि नगर निगम की कार्रवाई की वास्तविक स्थिति पता की क्या। उनके अधिवक्ता ने कहा कि याचिकाकर्ता काफी बुजुर्ग हैं और यह काम करने में असमर्थ हैं। अगर दो वकील उनके साथ भेज दिए जाएं तो काम आसान हो जाएगा। कोर्ट ने उनकी इस मांग को स्वीकार नहीं किया और कहा कि याचिका आपने दायर की है और वास्तविकता पता करना आपका काम है। कोर्ट ने कहा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि याचिकाकर्ता भी निगम से मिल गया है। कोर्ट ने अगली सुनवाई पर शपथ पत्र पर वास्तविकता बताने का आदेश दिया है। शहर में पीले व बदबूदार पानी की समस्या से जूझ रहा नगर निगम प्रशासन अपने वाटर ट्रीटमेंट प्लांटों की सफाई में जुटा है। मोती झील फिल्टर प्लांट की सफाई के बाद तिगरा बांध के नजदीक स्थित ट्रीटमेंट प्लांट के ट्यूब शटलर टैंकों की सफाई कराई गई। टैंकों से काफी मलबा निकला है और पूरी तरह सफाई के बाद साफ पानी मिलने की संभावना बढ़ गई है। यहां बता दें कि तिगरा बांध के कच्चे पानी को फिल्टर करने के लिए मोती झील पर दो तथा तिगरा बांध के नजदीक एक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है। तिगरा बांध के ट्रीटमेंट पर 8 ट्यूब शटलर टैंक बने हैं, इनमें फिल्टर लगे हैं। तिगरा बांध का कच्चा पानी इन शटलर टैंक में पहुंचता है। चूंकि तापमान बढ़ने से तिगरा बांध में जमा काई पानी से घुलने लगी है, इस कारण सेटलर प्लांट में अधिक गंदगी आ रही है। पिछले महीने ही इसकी सफाई की गई थी, लेकिन गंदगी ज़्यादा आने से फिल्टर में फंसने लगी थी। इसे देखते हुए निगम के पीएचई अमले ने टैंकों की सफाई कराई। सफाई के बाद साफ पानी सप्लाई किया जाना शुरू कर दिया है। बदबू भी कम हो गई है। राजस्थान के उत्तर पश्चिम से आने वाली हवा से शुक्रवार को शहरवासियों को गर्मी से राहत मिल गई। 12 दिन बाद अंचल के मौसम में फिर से बदलाव देखने को मिला, लेकिन शनिवार को दिन चढ़ने के साथ सूरज के तेवर एक बार फिर कड़े हो गए हैं, जिससे आने वाले दिनों में गर्मी बढ़ने की संभावना बन गई है। गौरतलब है कि 20 अप्रैल को अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ था, जबकि 22 अप्रैल के बाद से पारा 40 डिग्री सेल्सियस के पार चल रहा था और शहरवासी गर्मी से बेहाल थे। लेकिन 29 अप्रैल से गर्मी ने ज्यादा जोर पकड़ा और पारा 43 से 44 डिग्री सेल्सियस के बीच पहुंच गया था, लेकिन शुक्रवार को यह 37 डिग्री पर आ गया, जो कि पिछले 12 दिन में सबसे कम है। मौसम विभाग के अनुसार हवा का रुख उत्तर पूर्वी होने के कारण गर्मी से हल्की राहत मिली, लेकिन राजस्थान से उड़ीसा जा रही ट्रफ लाइन का असर खत्म होने के बाद फिर से पारा चढ़ना शुरू हो गया है, जिसके कारण शनिवार को लोगों को तेज धूप और गर्म हवाओं का सामना करना पड़ा है। कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ अमर्यादित टिप्पणी को लेकर ग्वालियर में गुजरात सरकार के कैबिनेट मंत्री गणपत वासवा के खिलाफ परिवाद पत्र पेश किया गया। इसमें श्री बासवा पर 1 करोड़ रुपए की मानहानि का दावा किया गया है। एडवोकेट दाताराम माहौर ने ये परिवाद JMFC आशुतोष यादव के यहाँ पेश किया। श्री माहौर ने बताया कि 20 अप्रैल 2019 को श्री बासवा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी की तुलना करते हुए अपशब्द कहे थे। उनकी टिप्पणी से मुझे व कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को मानसिक आघात हुआ है, इसलिए 1 करोड़ रुपए प्रतिकर के रूप में दिलाए जाएं। न्यायालय ने कथन के लिए 20 जून की तारीख तय की है। ये मामला ये है कि गुजरात के कैबिनेट मंत्री हैं गणपत बसावा, आजकल वर्तमान में गुजरात सरकार में मंत्री हैं रूपाणी की सरकार में। इन्होंने क्या है,
एक आम सभा हुई थी 20 अप्रैल 2019 को, जिसमें स्टेटमेंट दिया था कि मोदी जी जब खड़े होती हैं तो शेर जैसे लगती हैं और राहुल गांधी जी खड़े होते हैं तो एक पिल्ले की कुत्ते की पिल्ले की बराबर लगती हैं, और इनको अगर रोटी डाल दी जाए जैसे पाकिस्तान है चीन है अगर कोई रोटी डालता है तो वहाँ भी चले जाएँ। इस बात से अपन को खेद हुआ, अपन कांग्रेस पार्टी बिलोंग करती हैं इसलिए इनके खिलाफ मानहानि का दावा पेश किया गया है। माननीय जिला न्यायालय में कल पेश किया है, 1 करोड़ का दावा पेश किया है क्षतिपूर्ति जो प्रतिकर राशि के रूप में दिलाई जाए। मैंने स्वयं पेश किया है, मेरा नाम दाताराम माहौर एडवोकेट है और मैं इनके खिलाफ कार्रवाई चाहता हूँ। IPC की धारा 499, 500, 503, 504 के तहत पेश किया है जिसमें 2 साल का कन्वेक्शन है, इनके खिलाफ कार्रवाई के लिए मैंने लगाया है। अभी मेरे बयान होना है जिसमें 3 साक्षी बनाए गए हैं जो आमजन हैं, जिसमें भोगीराम जी रिटायरमेंट उससे जी जी ऑफिस से हैं, इनको साक्षी बनाया गया, इन्होंने भी पेपरों में पढ़ करके इनको भी खेद हुआ इसलिए इनको साक्षी बनाया। हाईकोर्ट की ग्वालियर ब्रांच के उस आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल यथास्थिति बनाए रखने के निर्देश दिए हैं, जिसमें तकरीबन 100 करोड़ कीमत की बेस कीमती जमीन पर 3 महीने के भीतर कब्जा देने के निर्देश ग्वालियर विकास प्राधिकरण को दिए गए थे। सुरेश नगर और जिवाजी नगर के इस विवादित जमीन पर 80 से ज्यादा मकान बने हुए हैं। गौरतलब है कि विकास प्राधिकरण यानी GDA की 2005 की एक अपील पर सुनवाई करते हुए इसी साल 24 मार्च को हाईकोर्ट ने एक बड़ा आदेश पारित करते हुए कहा था कि विकास प्राधिकरण जिवाजी नगर और सुरेश नगर की 1,08,000 वर्ग फुट से ज़्यादा जमीन को अपने कब्जे में 3 महीने के भीतर लें। इसे लेकर नगर निगम में रहने वाले लोगों के बीच हड़कंप की स्थिति पैदा हो गई है। उसका एक प्रतिनिधि मंडल विकास प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालन अधिकारी से भी पिछले दिनों मिला था, लेकिन GDA ने कोर्ट का हवाला देते हुए कब्जा लेने के लिए नोटिस जारी करने की बात कही थी। सुरेश नगर का जो केस था उसमें पहले हाईकोर्ट ने ये डायरेक्शंस किए थे कि 7 बीघा जमीन के लगभग एक लैंड के सर्वे नंबर्स थे, उसके संबंध में ग्वालियर विकास प्राधिकरण उसका कब्जा प्राप्त करे। काफ़ी घर ऐसे भी थे जिन लोगों के जो लोग पक्षकार नहीं थे प्रकरण, उनको भी उनकी ज़मीन को भी GDA को निर्देश किया गया था कि उसका कब्जा लें। उसके संबंध में कुछ लोगों द्वारा रिव्यू पिटिशन्स पेश की गई थी, 2 रिव्यू पिटिशन आज माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष सुनवाई हेतु आई थी। उसमें सुनवाई के समय सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो आदेश पारित किया गया उसकी प्रतिलिपि पेश की गई। सुप्रीम कोर्ट ने ग्वालियर लैंड डील्स फर्म के केस में यथास्थिति बनाए रखने का आदेश पारित किया है। ये उसी जमीन के संबंध में है जिसके लिए आदेश दिया गया था कि इसका आधिपत्य प्राप्त किया जाए। उक्त आदेश के आलोक में रिव्यू पिटिशन्स में ये आदेश हुआ है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय प्रकरण पहले उसमें यथास्थिति का आदेश पारित किया गया, इस कारण अब इनकी सुनवाई वहाँ सुप्रीम कोर्ट में प्रकरण का निराकरण होने के पश्चात। भाई सुप्रीम कोर्ट ने यथास्थिति बनाए रखने का आदेश पारित किया है, इसका मतलब अब ग्वालियर विकास प्राधिकरण किसी भी प्लॉट का कब्जा नहीं ले सकता, जो स्थिति है वही बनी रहेगी। रेलवे सुरक्षा बल की हेल्पलाइन नंबर 182 व कमर्शियल विभाग के कंट्रोल नंबर 138 पर कॉल करने पर संबंधित कर्मचारी को तुरंत जवाब देना होगा। घंटी जाने के बाद भी कंट्रोल रूम में बैठे कर्मचारी द्वारा जवाब नहीं दिए जाने पर संबंधित के खिलाफ कार्रवाई होगी। इस तरह के आदेश रेलवे बोर्ड ने जारी कर दिए हैं। दरअसल इन हेल्पलाइन नंबर पर कई बार यात्रियों द्वारा कॉल किए जाने के बाद भी रिस्पॉन्स नहीं मिलता, इसकी शिकायतें रेलवे बोर्ड को मिल रही थीं। इस बात को ध्यान में रखते हुए बोर्ड ने निर्देश जारी किए हैं। सिरौल क्षेत्र की कास्मो वैली हाउसिंग सोसाइटी के सी ब्लॉक में लगी 2 लिफ्ट शुक्रवार शाम को एक के बाद एक टूटकर नीचे गिर गई। एक लिफ्ट तो 5वीं मंजिल से नीचे गिरी, इसमें मौजूद 4 लोगों को हल्की चोटें आई हैं। करीब 1 घंटे तक लिफ्ट में लोग फंसे रहे। परिजनों ने चाबी से लिफ्ट खोली और फंसे हुए लोगों को बाहर निकाला। ग्वालियर की कॉस्मो वैली सिटी में चलती हुई लिफ्ट अचानक बंद हो गई। लिफ्ट में उस समय बुजुर्ग महिलाएं और बच्चे थे जो कि गार्डन एरिया से घूमकर अपने फ्लैट पर आ रहे थे, तभी लिफ्ट के तार टूट गए और बुजुर्ग महिला और बच्चों को चोट आ गई।
स्थानीय लोगों और पुलिस की मदद से काफी मशक्कत के बाद लिफ्ट में से बुजुर्ग महिला और बच्चों को बाहर निकाला गया। कॉस्मो वैली सिटी के रहने वाले लोग इस हादसे में घायल बुजुर्ग महिलाओं और बच्चों के साथ रिसोल थाने पहुंच गए हैं और मल्टी प्रबंधन और सोसाइटी की शिकायत दर्ज कराई। स्थानीय लोगों का कहना है कि लिफ्ट में काफी दिनों से खराबी थी, इसकी शिकायत उन्होंने बिल्डर से की थी, लेकिन आज लापरवाही से बड़ा हादसा होने से टल गया है। फिलहाल पुलिस ने स्थानीय लोगों की शिकायत दर्ज कर ली है। भैया हम तो ऊपर से नीचे आ रहे थे उतर के नहीं, सो एकदम नीचे होती है बड़ा का हमला जाने का, किसी ने बम रख दिया और समय ये फट गया, वो सो हाथ में लग गए और ये घूटे में लग गए। पहले गिरे खड़े होकर नहीं सीधे गिरे, फिर वो आने गिरे। 6-7 जने थे हम, एक लड़की सीधी छोटी, 6-7 जने थे उसमें। कॉस्मो वैली में सी ब्लॉक में लिफ्ट टूटने से उसमें 5-6 महिलाएं घायल हो गई हैं, जिसकी रिपोर्ट करने को थाने पे आए हैं। अपराध पंजीबद्ध किया जा रहा है और अपराध पंजीबद्ध करने के लिए करने के बाद विवेचना की जाएगी। इससे पहले उन लोगों ने आपको शिकायती आवेदन दिए हैं, उस पर अभी तक क्या कार्रवाई हुई? वो उसकी जांच चल रही। ग्वालियर के गिरवाई थाना इलाके के अजयपुर रोड स्थित एक सूने घर के ताले तोड़कर अज्ञात चोरों ने बीती रात लाखों का माल पार कर दिया। सुबह जब घर के ताले टूटे हुए लोगों ने देखे तो मामले का खुलासा हुआ। बताया गया है कि गृह स्वामी संजीव गुप्ता अपने परिवार के साथ कहीं बाहर गए हुए थे, इसी दौरान चोरों ने मौके का फायदा उठाकर इस वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने फिलहाल मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। माल लगभग 1-1.5 लाख रुपए की चोरी हुई आज मेरी, रात में बाहर था उस समय दरमियान, रात में कोई लोग चोरी कर ले गए। मुझे मोहल्ले वालों ने बताया कि आपके घर ताले टूटे पड़े हुए हैं, उस हिसाब से फिर मैं सुबह वहाँ से आया तो माल मेरे माताजी घर पे भी नहीं है, उनका भी सामान रखा था, जेवर थे उसमें, 2 जोड़ी झुमकी हैं, है ना, तोड़ियाँ हैं, कमर बेल्ट है और कुंदन एक रहता है वो है, हैं 3-4 अंगूठी हैं, हैं और इस तरह से लगभग 20-1 हज़ार रुपये नगद हैं, 1-1.5 लाख रुपए के लगभग का सामान है। ये आज रात की सुबह की घटना है, नहीं अभी किसी के कोई शक वाली ऐसी कोई बात नहीं, मोहल्ले में हमारा किसी से कोई बैर, हमें मोहल्ले वालों ने ही बताया कि आपके घर का ताला टूटा पड़ा हुआ है। मैं गया था मार्केटिंग काम से, एक कंपनी में काम करता हूँ तो मार्केटिंग करने के लिए बाहर गया हुआ था। माता जी भोपाल हैं इस समय, हमारी बड़े भाई हमारे रहते हैं वहाँ हैं, वो वहाँ हैं। वाइफ हमारी एक शादी में चली गई थी अपने मायके। ताला हमारा बाहर गेट से ही हमारा से खुला, उनने ताला तोड़ा नहीं है, उसमें जोर से किसी से प्रहार करके वो अंदर गेट खुले हैं, अंदर अंदर किसी से सरिया रिया डले हैं वहाँ, वो सरिया से उसने ताले तोड़े हैं, सरिया भी पड़े थे कुछ तो उससे ताले तोड़े। ये सांवरिया धाम जगह बनती है अजयपुर में, वहाँ पे एक गुप्ता जी हैं, उनके मकान में कोई अज्ञात चोर रात में घुस गया है और वहाँ से उनका रखे हुए पूरा उनका परिवार बाहर गया हुआ था तो उनका घर का ताला तोड़ के और उनके घर में रखे हुए कुछ जेवर और कुछ नकदी जो बता रहे हैं लेके चला गया है। अब नकदी कितनी थी और जेवर में क्या था वो खुद ही आने पे बताएंगे, तब पता चल पाए। लोकसभा चुनावों के लिए मतदान की तारीख पास आते ही प्रचार प्रसार और बैठकों का दौर तेज हो गया है। इसी तारतम्य में शनिवार को कांग्रेस कार्यालय परिसर में यूथ कांग्रेस पदाधिकारियों के लिए एक बैठक का आयोजन किया गया, जहां यूथ कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी हरीश पवार सहित तमाम नेतागण मौजूद रहे। बैठक के दौरान यहां न्याय योजना का पैम्पलेट भी रिलीज किया गया। देखिए लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर हमने ये बैठक आयोजित की है। आज हमारे मध्य प्रदेश यूथ कांग्रेस के प्रभारी हरीश भैया पवार जी इस मीटिंग में उपस्थित रहेंगे। जो हमारा न्याय योजना का जो फॉर्म है, इस न्याय योजना फॉर्म को हम यहाँ लॉन्च करेंगे और हमारी जो केंद्र में जो सरकार बनेगी राहुल जी के नेतृत्व में, हमारे राहुल जी के नेतृत्व में जो सरकार बनेगी हम लोगों को क्या फ़ायदे देंगे, सारी बातों को लेकर हमने यहाँ मीटिंग रखी है यूथ कांग्रेस की। ऐसा कुछ नहीं है, कांग्रेस पार्टी एकजुट है और कांग्रेस पार्टी एकजुट होकर चुनाव लड़ रही है। ये बतराघात ये भाजपा में हो रहा है, कांग्रेस में कहीं नहीं हो रहा। भारतीय जनता पार्टी के संभागीय कार्यालय मोदी हाउस पर भी शनिवार को एक बैठक का आयोजन किया गया, जहां भाजपा के सोशल मीडिया से जुड़े कार्यकर्ताओं को सोशल मीडिया के यूज और पार्टी के संदेश को जन जन तक पहुंचाने को लेकर आवश्यक जानकारी दी गई। बैठक में भाजपा के मीडिया प्रभारी लोकेंद्र पाराशर और लोकसभा चुनाव प्रभारी स्वतंत्र देव सिंह यहां मौजूद रहे। हमें
निश्चित तौर पर भाजपा की विजय के लिए ये बैठक है, मोदी जी की विजय के लिए बैठक है और भारत की विजय के लिए ये बैठक है। आज संचार के युग में, मास कम्युनिकेशन के युग में सोशल मीडिया का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है, इसलिए सोशल मीडिया के जितने हमारे योद्धा हैं वो अपने काम को कैसे करना, टाइमिंग क्या होना, किस प्रकार के कंटेंट्स होना, ये सारी जानकारी उनको दी जाएगी। तो एक बड़ा वर्ग खासतौर पर यूथ में सोशल मीडिया का बड़ा प्रभाव है, तो सारी चीज़ें उन तक जाएँ तो सही निर्णय वो चुनाव में कर सकें, उसके लिए सारा प्रयास हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 मई को यानी कि आज ग्वालियर प्रवास पर रहेंगे और यहां भाजपा उम्मीदवारों के समर्थन में चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। उनके आगमन को देखते हुए मेला परिसर स्थित सभा स्थल पर व्यापक स्तर पर तैयारियां कर ली गई हैं। यहां मेला परिसर में विशाल पंडाल भी तैयार किया जा चुका है और बताया गया है कि इसमें 1.5 से 2 लाख लोगों को बैठने की व्यवस्था की गई है। पंडाल को पूरी तरह से वाटर प्रूफ तरीके से तैयार किया गया है। ग्वालियर के विवेकानंद नीडम के पास रेलवे ट्रैक पर एक गैंगमैन की रेल की चपेट में आकर दर्दनाक मौत हो गई। बताया गया है कि कर्मचारी अशोक बाथम दतिया का रहने वाला था और विवेकानंद नीडम के पास सुबह 8:30 बजे के करीब वो केरला एक्सप्रेस की चपेट में आ गया, जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस ने मृतक के शव को पीएम हाउस पहुंचाकर मर्ग कायम कर लिया है। सूचना मिली थी करीब 9:11 बजे सुबह, रेलवे का किलोमीटर नंबर है 1221 का 8 और 10, जो विवेकानंद वेंड हाँ का जो क्रॉसिंग, उसके पास ही एक रेलवे गैंगमैन है, उसका नाम अशोक है। वो कार करते समय केरल एक्सप्रेस से उसका सर टकरा गया इंजन से, इससे उसकी तत्काल मृत्यु हो गई। उसकी ड्यूटी वहीं पे जहाँ पर गेट नंबर जो 412 कहते हैं उसे हम लोग, और उसके विवेकानंद निंडम के पास था और वो ड्यूटी पे था, सुबह कार्य कर रहा था और ध्यान नहीं दे पाया और ट्रेन केरला एक्सप्रेस निकली, उसके इंजन से उसका सर टकरा गया और तत्काल मृत्यु हो गई। और अब हमें दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए इंडिया खबर लाइव। नमस्कार।